प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है जीव सदैव इस तन के बारे में सोचता है, सदैव हमेशा कि मैं आज पार्टी में जा रहा हूँ, कौन सा किस कलर का कपड़ा पहनूं जो काफ़ी ज़्यादा मैच करे, काफ़ी सूट लगे और सब मुझे ही देखें, तो तन के बारे में हर घड़ी हर वक्त आप तुमने ख्याल रखा, आपने ख्याल रखा, परंतु शायद भूल गए ये जो तन है, खून का गारा बना ईंट जिसमें हड्डियां पांच तत्वों से खड़ा, ये ख्याले आसियां। ये शरीर लौकिक है परंतु इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है ये अलौकिक है, ये कभी मरती नहीं है। इस शरीर को छोड़ेगी तो एक नया शरीर लेगी, एक नया जीवन लेगी। पांच तत्वों से खड़ा ये ख्याले आसिया, जोर तोर की हवा जब टकराएगी, जोर तोर की हवा जब टकराएगी, टूटकर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसलिए घमंड कभी शरीर पे मत करना, सोचो शरीर के बारे में भी सोचो, परंतु शरीर के साथ साथ इस आत्मा, इस हृदय से मन के बारे में भी थोड़ा जरा सा सोच कर देख लेना, ख्याल कर लेना, क्योंकि तन साथ नहीं जाने वाला। अंत समय में कोई साथ होता है तो हमारे जीवन भर के किए गए सत्कर्म और प्रभु का भजन। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे। देह पड़ी we'll be right back.
भगवान को ढूंढने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए मुझे काफी भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी मत जाओ, क्योंकि हमारे घर में ही समस्त तीर्थ हैं। कहते हैं राम नाम में वो प्रभाव है, राम नाम में वो भाव है, और संतों ने कहा है इसी दो अक्षर वाले राम नाम में समस्त तीर्थ बसते हैं। अगर इस अंतर आत्मा से घर बैठे अगर मैंने भाव से, प्रेम से, रस से उस राम का नाम ले लिया ना, तो जितना सुख जितना आनंद मुझे तीर्थ में जाने के बाद प्राप्त होता है वो मुझे घर बैठे मिल जाता है, घर बैठे प्राप्त हो सकता है। परंतु राम नाम लेने में भी जिभ्या तो गुणगान कर लेगी, जिभ्या तो गुनगुना लेगी, लेकिन जिभ्या के बोलने से कुछ नहीं होता जब तक ये मन और ये अंतर आत्मा ना बोले। इसलिए संत कहते हैं तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। राधा वल्लभ सरकार।